क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहे हैं? तो ये आपके लिए है। आज ही होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करें और कैरियर के लिए अनेकों अवसर पाएं। पिछले 10 सालों में रोजगार के अवसर प्रदान करने में अपनी सक्षमता साबित की है गुडविल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ऐसी एकमात्र संस्था जिसके द्वारा 5,000 से भी अधिक उम्मीदवारों को इंटरनेशनल होटल्स, रिजॉर्ट्स, क्रूज शिप्स में रोजगार दिलाए गए। गुडविल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, भर्ती जारी है। पता: विजयनगरम, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। चेन्नई स्टोर, चाहे श्रृंगार का सामान हो, घर की जरूरतों का, बच्चों की किताबें, खिलौनों से लेकर आपके हर छोटे बड़े रोजमर्रा के जिंदगी से जुड़े आवश्यक सामान बहुत ही किफायती दामों में, इंटीरियर डेकोर्स, गिफ्ट्स, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरीज, स्कूल आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, डेकोरेटिंग आइटम्स, टॉयज एक्सेट्रा, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर होम नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। हर प्रकार की खरीदारी के लिए एक मात्र बेहतरीन जगह आज ही आए, खरीदारी करें और पैसे बचाएं। आपका अपना चेन्नई स्टोर। नमस्कार, मैं अनिता, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने आज हमारे द्वीप वासियों के लिए दो जगहों पर वाटर एमटीएम का उद्घाटन किया है। प्रेमनगर मुर्दा खाड़ी और डेयरी फार्म जंक्शन में आज एमपी और एक्स एमपी श्री विष्णु पदराय जी द्वारा दो वाटर एटीएम का उद्घाटन हुआ। दोनों जगहों के काउंसिलर काफी खुश थे कि वहां की जनता की मांग पर अब उन्हें 24 घंटे चंद रुपयों में पीने का साफ पानी उपलब्ध रहेगा। साथ ही सभी काउंसिलर ने यह वादा किया कि वे वाटर एटीएम की देखरेख अच्छे से करेंगे ताकि जनता को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। हमारे एक्स एमपी और हमारे श्री कुलदीप राय शर्मा जी को धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने एक साथ जनता हित में एकजुट हुए हैं। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम आए हैं पोर्ट ब्लेयर के प्रेम नगर एरिया में, यहाँ पे जो मुर्दा खाड़ी के नाम से जो प्रसिद्ध जगह है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि मुर्दा खाड़ी प्रेमनगर, यहाँ पे लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके शव जलाने के लिए आते हैं। यहीं पर लोगों की काफ़ी सालों से डिमांड थी कि यहाँ पर पानी की सुविधा के लिए कुछ किया जाए, तो उसी सिलसिले में आज हमारे एमपी साहब श्री कुलदीप राय शर्मा जी और हमारे एक्स एमपी श्री विष्णु पदराय जी दोनों यहाँ पे आज आएंगे। और जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक वाटर एटीएम है, इसका आज ओपनिंग यहाँ पे करेंगे। इससे यहाँ की जनता काफ़ी खुश है और इन लोगों को जो पानी की जो तकलीफ थी यहाँ पे आने के बाद में, उसमें सुधार होगा और उसमें लोगों की ये जो डिमांड थी ये पूरी होगी। इसी सिलसिले में आज ये कार्यक्रम रखा गया है, चलिए हम आपको उसकी कवरेज दिखाते हैं। ओपनिंग करने के लिए हमारे दीपो के सांसद जी का स्वागत करता हूं और साथ में हमारे पीबीएमसी सेक्रेटरी श्रीमती आर स्मिता जी का भी मैं स्वागत करता हूं। हाँ, हमारा एक्स एमपी आदरणीय हमारा विष्णु पदराय जी का भी मैं स्वागत करता हूं। मैं अभी हमारे वार्ड के काउंसलर श्रीमती अमर देवी से अनुरोध करता हूं कि भूखे देखे हमारे हमारे दादा विष्णु पदराय मेघालय से बोलता हूँ, हमारे सांसद जी को भूखे देखे स्वागत करें। राम नंदन जी से मैं अनुरोध करता हूँ, हमारे सेक्रेटरी मैडम पीबीएमसी सेक्रेटरी को भूखे देखे स्वागत करें। मैं भी आदरणीय हमारे सांसद जी से अनुरोध करता हूँ कि, और हमारे विष्णु पदराय जी से अनुरोध करता हूँ कि सेक्रेटरी मैडम से अनुरोध करता हूँ हमारे काली काली फाइन फाइन है किसी को।
बंद हो गया ना क्या आते बोलिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी जो एटीएम वाटर ओपनिंग कर रहा है उसमें खूबी है क्योंकि एमपी फंड से काम कर रहा है मैं, बट जनता उनका आशीर्वाद दिया सांसद बना और उनको हाथ से ओपनिंग करना, इनके एक बराबर है, एक से एमपी को रिस्पेक्ट देते हुए मुझे आज कार्यक्रम में शामिल किया। कुलदीप अच्छा बने बड़े बने इतना मुझे गुरु से प्रार्थना है। जय हिंद। सभी यहाँ पे उपस्थित मेरे प्रेमनगर के बुजुर्गों माताओं बहनों युवा साथियों, आज एक बहुत ही पावन अच्छा काम इस पावन भूमि जो शमशान है, जो शमशान में हम लोग सबका अंतिम यात्रा यहीं पे होता है, मुक्ति यहाँ पे मिलता है इंसान को। तो बहुत दिन से ये जब हम लोग आते थे तो एक चर्चा का विषय था कि यहाँ पे पीने का पानी का सुविधा नहीं था, सुविधा पानी का था बट अच्छा पानी नहीं था। तो इसके लिए मैं हमारे जो एक्स एमपी विष्णुवत साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने टाइम में इस चीज़ को सोचा और इस जो पब्लिक का जो ज़रूरी ज़रूरत का चीज़ था, ठीक है, क्योंकि देखिए पानी एक ऐसा चीज़ है इंसान के बदन में अगर कोई बीमारी अगर आना है तो सबसे पहले पानी एक ऐसा चीज़ है, अगर आप गलत पानी पी लेंगे तो आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आ जाएगा और बीमार हो जाएंगे। तो मैं पूरा अंडमान निकोबार की जनता की ओर से खास तौर पे जो पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान के जितने भी हमारे यहाँ के लोग हैं जो इस शमशान भूमि जंगली घाट शमशान भूमि को यूज़ करते हैं, सबकी तरफ से हमारे एक सीएमपी विष्णु साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा नेक काम आप अपने समय आपने किया जिसका फल आज पूरा होके हम लोग सब यहाँ पे है। और आज के बाद से जो भी लोग यहाँ पे आएंगे जिनको भी पानी, क्योंकि हम लोग पता है दूर दराज से आते हैं कितना घंटा घंटा लगता है अपना बॉडी को यहाँ पे लेके आने के लिए, उसके बाद में यहाँ हम लोग रुकते हैं डेड बॉडी जलाने के लिए बहुत समय लगता है, तो इंसान को स्वाभाविक भूख लगता है प्यास लगता है, जब प्यास लगता है तो आज ये जो पानी का सुविधा हुआ है इससे अच्छा पानी मिलेगा और लोग का सेहत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। चलिए अभी हम यहाँ के जो वार्ड काउंसलर है अमर देवी जी उनके बेटे राज से बात करते हैं और जानते हैं इस एटीएम के बारे में और ये यहाँ पे कब से इसकी डिमांड थी, इन सब जानकारी उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सबसे पहले आज हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी और हमारे एक्स एम पी श्री विष्णुपद राय जी और हमारे पी बी एम सी के सेक्रेटरी श्री श्रीमती आर स्मिता जी और हमारे तमाम पी बी एम सी के आला सेक्शन के जो वर्कर है वाटर सेक्शन के वर्कर, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज ही हमारा जो ओपनिंग में उसने अपना जो सहयोग दिया जो बढ़ चढ़ करके अभी एक चार दिन से जिन्होंने अपना योगदान दिया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारा एमपी सिटिंग एमपी जो अपना इतना कीमती समय निकाल के इसको आज ओपनिंग करा, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ ये एटीएम के बारे में, वाटर एटीएम के बारे में, ये काफ़ी दिन से एक बर्निंग इशू बोल सकते हैं इनको, एक तरह का एक्चुअली बहुत छोटा सा ये एटीएम है लेकिन इशू बहुत बड़ा है। जब काफ़ी लोग यहाँ से दूर दराज से आते हैं डेड बॉडी जलाने रात बेरात काफ़ी देर, कभी कभी कोरोना में आपको मालूम होगा 24 आवर्स यहाँ डेड बॉडी जल रहा था तो उस समय कहीं भी हमको पानी का दिक्कत होता, पानी पीने के लिए दुकान सब क्लोज हो जाता था, आपको मालूम रेस्ट्रिक्टेड था बहुत तरह का, सारों तरफ में बंद था क्लोज दुकान उकान बंद था तो बहुत मुश्किल होता था। उस टाइम भी हम लोग को डिमांड है भैया पानी पानी, तो हम लोग यहाँ से घर वगैरह से अपना ला के देते थे। तो ये आज ओपनिंग हुआ तो इसे बहुत बड़ा सहूलियत और एक आसानी होगा लोगों को यहाँ जो बर्निंग घाट में हमारे जो शमशान जलाने आते और काफ़ी लोग यहाँ आते जो बैठते हैं साथ में आते उनके लिए बहुत ही आसानी होगा। ये मैं बहुत ही हमारे पीबीएमसी और हमारे एमपी लेट से जो बना है इनका करीब तब कॉस्ट 732,000 है एस्टीमेट है
और बनने में तैयार हुआ। इसका बहुत ही उपयोगिता है ये हमारे लिए। राजीव, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका मेंटेनेंस किसके अंडर में होगा? इसका मेंटेनेंस पूरा पीबीएमसी वाटर सेक्शन करेगा। और वाटर सप्लाई में अगर कोई कमी वगैरह हुई तो ये कौन देखेगा? नहीं, एक्चुअली ये हम हैं, एक्चुअली यहाँ सोशल वर्कर है, हमारी मम्मी मदर है या वार्ड काउंसलर है, हमारा देख रेख में हमारा वार्ड है, तो हम 24 घंटे 24 आवर्स इनकी निगरानी करेंगे। जब इनकी कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमको इसका प्रॉब्लम हमारा वाटर सेक्शन में ई मैडम है, आशा मैडम वगैरह है, हमारा जेई आशीष मंडल जी है, मैं उनको कंप्लेन करूँगा और इनका समाधान निकालूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप जैसा बोल रहे हैं वैसे ही हो, क्योंकि अंडमान में ये पहला वाटर एटीएम नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा है कि यहाँ पे कई सारे वाटर एटीएम हैं जो अब नॉन फंक्शनिंग कंडीशन में है, जो अब काम नहीं करते हैं, उनका कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। बना तो दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसको मेंटेन किया जाए, इसमें बराबर साफ सुथरा पानी रखा जाए, ताकि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं शमशान घाट में उनको पानी की तकलीफ ना हो। टेक्निकल चीज़ है, ख़राब तो होगा, लेकिन ख़राब होने के बाद मैं इसमें ध्यान रखूँगा और इसका कुछ प्रॉब्लम है तो मैं इसको कंप्लेन को आगे लेके जाके रिपेयर कराऊँ, ताकि 24 आवर्स ये चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आपने जिम्मेदारी ली है कि इसे हमेशा 24 घंटे चलाने की, क्योंकि देखिए एमपी लैड फंड भी जो है वो भी तो जनता के टैक्स का ही पैसा है। तो जब ये इतने आपने बताया 7 लाख के तकरीबन इसमें खर्च आया है इसको लगाने के लिए, तो जनता का ही पैसा लगा है जनता के काम के लिए। इस तरह और भी एटीएम है जो अभी काम नहीं कर रहे, यानी कि जनता के साथ धोखा हुआ है, जनता का पैसा चोरी हुआ है, उनका धोखा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो बोला है उसे पूरा करेंगे और जनता को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद यामिन जी आपका यहाँ पे आने के लिए। मैं तो सबसे पहले मैं मीडिया आप लोगों में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दिया रहा, आप यहाँ के इतना अच्छा कवरेज किया, इसके लिए भी मैं पूरे अपने मतलब अपने पूरे परिवार पूरे अंडमान निकोबार लोगों की तरफ से मैं आपका बहुत ही बधाई देता हूँ। थैंक यू राजभर, हम भी शुक्रगुजार हैं कि इस अच्छे नेक काम के लिए, इस अच्छे पवित्र जगह पर जो आपने हमें इन्वाइट किया, हमारे न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम को यहाँ पे आने का कवरेज करने का मौका मिला। जिस तरीके से आप बोर्ड में भी देख सकते हैं कि ये आज के दिन इसका ओपनिंग हुआ है, और किसी कारणवश हमारे जो डीसी है श्री सुनील अंचिपाका जी नहीं आ पाए, मगर बाकी तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे और इस वाटर टैंक का ओपनिंग किए। हम उम्मीद, चलिए अभी हम वार्ड नंबर 9, 14 और वार्ड नंबर 15 तीनों के जो काउंसलर हैं उनसे बात करते हैं, और इस एटीएम को लेकर उन्हें हमारे दर्शकों को क्या कहना है वो जानते हैं। नमस्कार सर। सबको नमस्कार। यहाँ अच्छा ये लगाया, बढ़िया पानी पीने के लिए सबको यूज़ होएगा, सबके लिए तो आने जाने वाले को पानी का अच्छा यूज़ कर सकता है, बहुत अच्छा बीज डाला लो, बहुत अच्छा बात है। थैंक यू। नमस्कार। आज हमारे डेयरी फार्म जंक्शन में एक वाटर एटीएम का इनोग्रेशन एक्स सांसद विष्णु बी जी उनको ओपनिंग करें इनोग्रेट किए हैं। इसमें हमारे वार्ड नंबर 9, 14 और 15 वार्ड के रहने वाले डेयरी फार्म जंक्शन है, यहाँ में जो है बस स्टैंड भी है, लोग इधर ही जंक्शन पर आते हैं जाते हैं, ऑटो में हैं, ऑटो वाले हो गए, चलने वाले हो गए, इन सबको ये पानी का जो है वाटर एटीएम को कॉइन्स डालने से उनको एक मिनरल वाटर का पानी मिलेगा। आज एटीएम वाटर एटीएम के जो इनॉग्रेशन हुआ है, एक्स एमपी और जो प्रेजेंट एमपी ने आए, आज बहुत खुशी की बात है तीनों वार्ड का। यहाँ पे जैसा पब्लिक यानी कि बस सर्विस के लिए यहीं पे खड़े होते हैं, हर तीनों वार्ड का एक जंक्शन पड़ती है, यानी कि पानी का समस्या तो क्या है कि अपने घर घर से कोई लेके नहीं आ सकते, भले यहाँ पे है तो 1 लीटर का 2 लीटर का बोतल लगा के कम से कम 5 रुपया डाल के ले लेंगे, ताकि हम लोग भी यही मांगते हैं कि यहाँ पब्लिक का एक अच्छा सुविधा हो, यानी कि पानी पिए, और यहाँ पर अच्छा धूप काल में तो पानी का बहुत डिमांड पड़ती है, यानी कि हम लोग जैसा भी जोगराव जी ने बोले, रविचंद्रन जी ने बोले, यानी कि तीनों वार्ड के लिए बहुत बेनिफिशरी है और अच्छा फायदेमंद हो सकता है, यानी कि हमारे डेयरी फार्म के जनता के लिए बहुत अच्छा खुशखबरी है कि आज वाटर एटीएम है। चलिए मैं इतना बोल के मेरा थैंक यू हमसे बात करने के लिए आप तीनों का, लेकिन मैं आप तीनों से एक सवाल करना चाहूँगा, ये अंडमान में पहला या दूसरा एटीएम तो एटीएम वाटर एटीएम तो नहीं लगा, इससे पहले भी लगे हुए हैं, आज उनका हाल आप खुद जानते हो, तो बात होता है मेंटेनेंस का, बात होता है इसको सिक्योरिटी का, बात होता है वाटर सप्लाई का, इस बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, इस सबको मेंटेनेंस करना चाहिए, इसको लगाया है तो उसका मेंटेनेंस भी उस तरह करने से तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, नहीं करेगा तो फिर 10 दिन भी हर जगह 10-15 दिन में तो ख़राब हो ही जाता है, इसको मेंटेनेंस भी वही सेम अच्छा करना चाहिए। तो ये आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी है ना, आप इस वार्ड के काउंसलर हो। अभी डाला है तो हम लोग जिम्मेदार, हम लोग देखेगा, हम लोग देखे नहीं, बगल तो हम नहीं देगा, हम लोग देखेगा, फिर उसका कुछ प्रॉब्लम से हम लोग उसको कवर देगा, कराएगा। आप क्या कहेंगे?
ये हमारा PBMC ने इसका मेंटेनेंस करेगा। हमारा जो वाटर का इंजीनियरिंग है, आशा मैडम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनके नेतृत्व में जो है हमारे JE साहब राजीवन सर हैं और असिस्टेंट इंजीनियर सर जैपसन सर है, इन्होंने बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं। और वाटर का या जो भी इसका जो भी परेशानी रहेगा उसको उन लोग अच्छा मेंटेन करते हैं, उसी तरह इसको भी अच्छा लोग मॉनिटरिंग करेंगे और इसको कंटिन्यू रेगुलर सप्लाई वाटर देने के लिए उन लोग जैसा भी हमारे जो PBMC ने इनको मेंटेनेंस करेगी। और हम भी चाहता है कि जैसा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हर ATM डे बाई डे चेक करे और वहाँ का पानी का जो क्वालिटी चेक करे और हर टाइम जो भी अगर छोटा मोटा मेंटेन आता है तो तुरंत करे ताकि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना हो, पानी हर टाइम मिले वहाँ से। यानी कि मेरा जो रिक्वेस्ट है और PBMC सेक्रेटरी मैडम से मैं बोलना चाहता हूँ, हर ATM जितना जो म्यूनसिपल एरिया में जितना ATM लगी हुआ है, यानी कि वो हर एक ATM को प्रॉपरली चेक करे, प्रॉपरली मेंटेन करे, प्रॉपरली उनको बराबर उनके जो पानी होता है प्रॉपरली वहाँ जो टैंक जो भी टैंक में बराबर दे और प्रॉपरली चेक करे, मैं इतना बोलना चाहता हूँ। थैंक यू आप तीनों का हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने अभी तीनों वार्ड के काउंसलर को सुना, उन्होंने भी जिम्मेदारी ली है कि वे भी का ध्यान रखेंगे कि ये बराबर फंक्शन करे ये वाटर ATM, ताकि जनता की जो पानी की समस्या है, पानी पीने के लिए जो समस्या है इन एरियाज़ में, इन क्षेत्रों में आने के बाद में, इसमें ज़रूर कमी आएगी। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि सरकारें बहुत सारी स्कीम्स निकालती हैं, सरकारें बहुत सारी सुविधाएं देती है, लेकिन उसको मेंटेन करके रखना, उसको चलता फिरता हाल में रखना, ये हम जनता की जिम्मेदारी और हमारे जनता के जो प्रतिनिधित्व होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। उम्मीद करते हैं कि ये वाटर ATM जो डेयरी फार्म के जंक्शन में लगा हुआ है और जो आज ही मुर्दा खाड़ी प्रेमनगर में लगाया गया है, ये लंबे समय तक काम करे, इसकी मेंटेनेंस अच्छी से हो, इसकी सिक्योरिटी अच्छी से हो, इसमें पानी की जो सप्लाई हो वो साफ़ सुथरी पानी बराबर हो। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7, नमस्कार। तो जैसा आपने देखा व सुना किस तरह हमारे दोनों MP ने जनता के लिए हर सुविधा प्रदान करने की बात कही और हर वार्ड के काउंसलर ने भी जनता की भलाई के लिए हर क्षेत्र में काम करने की ठानी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो ताकि हमारे द्वीपवासियों के साथ हमारे द्वीपों की भी विकास की राह आसान हो। अगर आपको हमारा यह एपिसोड अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ मैं अंधिता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस खबर से विदा लेती हूँ। नमस्कार।